एक्सरसाइज एफ क्वेश्चन नंबर चार, एवरेज का एक्सरसाइज एफ है ना, क्वेश्चन नंबर वन सॉरी है ना, वन में हमको देखो क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति के चार दिन का औसत दिया हुआ है, चार दिन का औसत व्यय दिया हुआ है, चार दिन का औसत व्यय ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है 18 रुपए, ठीक है। तो चार दिन का औसत में मतलब चार दिन के हिसाब से 18 रुपए खर्चा कर देता है वो, कभी कम कभी ज्यादा, ठीक है। फिर आपको दिया है कि पहले दिन का दिया हुआ खर्चा, चार दिन का कुल व्यय निकाल देता हूं मैं, चार दिन का कुल व्यय, चार दिन का कुल व्यय कितना होगा बेटा 18 × 4 = 72 रुपए, ठीक है, 18 × 4 = 72 रुपीज, ठीक है। अब इसमें पहले दिन कितना होगा, पहले दिन का, पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन का दिया हुआ है, पहले दिन का व्यय फिर दूसरे दिन का व्यय, तीसरे दिन का व्यय आपको दिया हुआ कितना 15 रुपए 12 रुपए 60 पैसा और 25 रुपए आपको निकालना है चौथे दिन का व्यय, क्या निकालना है चौथे दिन का व्यय आपको निकालना है, ठीक है। तो चौथे दिन का व्यय कैसे निकलेगा, चौथे दिन का व्यय बराबर, ठीक है, चौथे दिन का व्यय बराबर कुल चार दिनों का व्यय, कुल चार दिनों का व्यय कितना है 72 रुपए, कितना है 72 रुपए, 72 रुपीज, क्लियर। इसमें माइनस करेंगे हम लोग पहले दिन का व्यय, पहले दिन, ठीक है, प्लस दूसरे दिन, प्लस तीसरे दिन का व्यय, ऐसे ऐसे भी, ठीक है, कॉमा करके लिख सकते हैं पहला दिन दूसरे दिन और तीसरे दिन का व्यय, क्योंकि सब में मैं का व्यय नहीं लिखा हूँ, ठीक है। चलो माइनस पहले दिन का व्यय कितना बेटा 15 रुपए, दूसरे दिन का 12 रुपए 60 पैसा और तीसरे दिन का 25 रुपए, ये 25 और 15 हो गया आपका 40 और 12 हो गया 52.60 माइनस 52.60 चौथे दिन का खर्चा लिखा तो 19 रुपए 40 पैसा आएगा, 19 रुपीज 40 पैसे, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट।